अस्सलामुअलैकुम। फ़्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इन 3 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ को मैं पील ऑफ कर लूँगी। सबसे पहले इनके छिलके उतार लूँगी मैं जल्दी से। 1 by 1 इन सब के छिलके उतार लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप बताने वाली हूँ। आपने सबसे पहले इन सारे पोटैटोज़ को पील ऑफ कर लेने के बाद इस तरह से इस शेप में आपने इसको कट कर लेना है। सारे आलूओं को इस शेप में कट कर लेने के बाद आपने इस तरह से नाइफ की हेल्प से बिल्कुल इसी तरह से आपने परफेक्ट शेप बना लेनी है पोटैटोज की। बिल्कुल फ्राइज़ की परफेक्ट शेप बन जाती है इस तरह से हमारे पास। आपने ध्यान रखना है कि फ्राइज़ की जो साइज़ हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, छोटे या बड़े नहीं होने चाहिए बल्कि सेम साइज़ के होने चाहिए सारे। इस तरह से हमारे जितने भी फ्राइज़ हैं वो बहुत इजीली एक साथ में पक के रेडी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन फ्राइज़ को हमने पानी में डाल देना है। यहाँ पे एक बाउल में मैंने पानी लिया और इसके अंदर मैंने इन सारे फ्राइज़ को डाल के रख देना है। और जैसे ही इसका स्टार्च निकलेगा तो हम क्या करेंगे कि इसका पानी चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कटर लिया है और थोड़े से मैं एक अलग शेप में बना लूँगी फ्राइज़। ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत हमारे पास ये बन रहे हैं। इस तरह से पैटर्न्स वाले स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे हमारे पास। आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये शेप तो बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट होती है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के हमारे पास रेडी होंगे। जितनी देर में हमारे जो दूसरे फ्राइज़ हैं वो पानी में हमने रखे हुए हैं और उसका स्टार्च निकल रहा है, तो इतनी देर में हम ये बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ दूसरी जानब हमने 2-3 दफ़ा इसका पानी चेंज किया और यहाँ पे अब हम इसको पानी में से निकाल के किसी भी किचन टॉवल पे डाल देंगे। यहाँ पे ड्राई होने के बाद हमने फ्राइज़ को एक बाउल में ले लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लोर। कॉर्न फ्लोर इसके अंदर ऐड कर लेने के बाद हमने तकरीबन 3 स्पून हमने इसके अंदर कॉर्न फ्लोर ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और ये दोनों चीज़ें ऐड कर लेने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम इनको फ्राई करने की जानिब चलते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन में एक कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल या घी आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑयल मीडियम फ्लेम पे हीट अप हुआ है तो हमने इसके अंदर फ्राइज़ डालना स्टार्ट कर देने हैं। यहाँ पे याद रहे कि आपका फ्लेम पहले हम अपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और जब हमारे फ्राइज़ अच्छे से हमें लगेगा कि गल चुके हैं तो हमने फ्लेम को हाई कर देना है। अभी हमारा फ्लेम यहाँ पे लो ही है और हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और साइड्स को चेंज करते हुए हम इनको पकाते जाएंगे। और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे हमने इनको पका लिया है और अब हम इनको क्रिस्पी करने के लिए फ्लेम यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए हाई करेंगे। और 1 से 1.5 मिनट फ्लेम हाई कर लेने के बाद हमारे जो फ्राइज़ हैं ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से फ्राइज़ हमारे पास बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स को याद रखना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे फ्राइज़ कितने अच्छे बन के रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई किया है और हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है, अच्छे से पक गए हैं हमारे फ्राइज़। इसी तरह से हमने सारे फ्राइज़ को बना लेना है। और दूसरी जानिब हम सॉस रेडी कर लेते हैं। सिंपल सा सॉस है हमारे पास। यहाँ पे हमने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून जो है वो मेयोनीज़ का लिया है। और मेयो ऐड कर लेने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने केचप ऐड कर देना है। और मेयोनीज़ और केचप को डाल लेने के बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड की है। हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास सॉल्टेड हैं। अब हम अपने सॉस को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा मज़ेदार सा सॉस रेडी हो चुका है।
दूसरी जानब हम अपने इन मज़ेदार से स्नैक्स को भी कॉर्नफ्लोर और नमक ऐड करके फ्राई कर लेंगे। और इनको याद रहे कि हमने ऐसे ड्राई ही फ्राई कर लेना है, हमने इसको पानी के अंदर ऐड नहीं करना। और हमने क्या करना है कि इनको मज़ेदार से जो हमारे पास ये हैं स्नैक्स, इनको हमने ये देखें जी कितने खूबसूरत से पैटर्न्स बने हैं हमारे पास, इनको भी हम मीडियम फ्लेम पे जल्दी से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे यह है कि इनको हमने लो फ्लेम पे नहीं रखना, बस हम इनको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और हमारे जल्दी से क्रिस्पी से स्नैक्स बनके रेडी हो जाएंगे। और इनको भी हमने जल्दी से फ्राई कर लिया है। और इन सबको भी फ्राई कर लेने के बाद मैं आपको अपने इन फ्राइज़ की, मज़ेदार से फ्राइज़ की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से फ्राइज़ बनके रेडी हुए हैं हमारे, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपके ये फ्राइज़ कैसे बने हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।